लेकिन अगर आज तो फिल्मी लवर डे बोल दे तो आज के दिन कहीं पर भी जाए, किसी भी मल्टीप्लेक्स में, कोई भी थिएटर में 99 रुपीज है। हेलो मैं निखिल दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों विद्युत जामवाल एंड अर्जुन रामपाल की पिक्चर क्रैक जीतेगा तो जिएगा रिलीज हो गई आज हमारे साथ में। आगे हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल कैसे लगे आपको? सबसे पहले कहूंगा आज तो फिल्मी लवर डे बोल दे तो आज के दिन कहीं पर भी जाए, किसी भी मल्टीप्लेक्स में, कोई भी थिएटर में 99 रुपीज़ है। इसलिए मैं बोला लोग पब्लिक कहाँ से इतनी सारी आई, बहुत सी जगह पे हाउसफुल पिक्चर है, दो पिक्चर लगी 370 और क्रैक। तो इसलिए हाउसफुल पब्लिक भर भर के आ रही है क्योंकि 99 रुपीज़ टिकट है आज। ये सब सिनेमा प्रेमियों के दिन है, इसलिए रेट कम होगी तो पब्लिक आएगी, ये बात है। अब रही बात क्रैक की, अब इसको क्रैक बोलो, मैड बोलो, पागलपन बोलो, मतलब एकदम खतरनाक पागलपन। अरे क्या एक्शन दिया है आज तक, ऐसा एक्शन देगा ना, मतलब स्टंट। जो ट्रेन का जो स्टार्ट में जो फर्स्ट एंट्री है विद्युत जामवाल की, पागलपन है यार। मैं देखो रियल में कोई ना करे, जो ट्रेन में लोग करते हैं ना, हम तो देखते भी है ये ना कीजिए, क्योंकि ये ट्रेनर है भाई, ये खुद वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आता है स्टंट मार्शल आर्ट में, तो वो कर सकते हैं, बाकी लोग ना कीजिए, अपने जान गवा देंगे। क्योंकि उसमें दिखाते भी है कई लोग मर चुके हैं, इसे आरपीएफ वाले पकड़ते भी है, मतलब ये पागल बने, क्या एक्शन है, बाप रे। और ये चलो ये तो खुद है मार्शल आर्ट है, लेकिन ये अर्जुन रामपाल वो भी जबरदस्त, क्या बॉडी बताई उसने भी तो। अरे मतलब यार क्या है, मतलब ये फिल्म की स्टोरी एक फॉरन में, मतलब एक गेम होता है, मैदान एक मैदान है जो अपनी जान गवा बैठते, डेथ टू एंड, मतलब बोलते हैं ना कि जो जीतेगा वही जिएगा, मतलब वो एक गेम है ऐसा। दो तीन गेम बताए, जो हेलीकॉप्टर से जो बाइक फेंकते पकड़ने के बाद वो, मतलब वो पैराशूट खुलेगा, पहले बाइक फेंकते उसके बाद इंसान गिरता है, वो भी बहुत खतरनाक स्टंट है। मतलब ट्रेन का, एक हेलीकॉप्टर का और लास्ट का साइकिल का, क्या स्टंट किया, मतलब स्पीचलेस कर दिया एकदम, कुछ बोल नहीं सकते, स्पीचलेस कर दिया, मतलब अपनी नजर हटती नहीं, कह रहे क्या क्या शूट किया। बहुत बड़ी बात ये कि जो स्टंट करे इतनी रफ्तार से जा रहे और क्या शूट किया है, बहुत जबरदस्त है, मजा आता है देखने में। मतलब कहानी कैसी चलती है पिक्चर की? कहानी अलग है, कुछ एक्शन के ऊपर है, स्टंट के ऊपर है, बस इसका एक पागलपन है, ये ऐसा खेल का, उसका भाई मतलब वहाँ मर जाता है, मतलब मेरा भाई कैसे मरा, मतलब मैं भी ये करूँगा, उसके माँ बाप चाहते हैं तो ये मत कर, मतलब नहीं मैं पैसे तो लेके आऊँगा और मैं खुद भी आऊँगा, मेरा भाई तो नहीं आया लेकिन मैं आऊँगा। मतलब बड़ा खतरनाक चीज़ है, लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए पिक्चर में, ठीक है। नौरा की भी एंट्री अच्छी थी, लेकिन नौरा का काम बहुत कम दिया है, जितना भी दिया अच्छा दिया, अच्छी लगती है, एक लव सॉन्ग भी है वो भी अच्छा है, लेकिन लास्ट में इस फिल्म में एक अच्छा बताया कि जाना नहीं अभी गाना बाकी है, और डायरेक्ट गाना शुरू होता है, वो एक अच्छी बात है कि पब्लिक बैठी रही। और वो गाना इतना अच्छा रैप था, बहुत जबरदस्त गाना था, लेकिन वो गाने में नौरा होनी चाहिए, अगर नौरा होता और चांद चांद लग जाते थे, बहुत अच्छा गाना था, एंडिंग रोमांटिक गाना भी है, नौरा का वो भी गाना अच्छा है, लेकिन लास्ट का तो कमाल का गाना था, अगर नौरा होती तो और धमाल होती। हाई ऑक्टेन मेगा ऑक्टेन एक्शन फिल्म लेके आ गए विद्युत जामवाल, अपनी ओन खुद ने प्रोड्यूस किया एक्शन फिल्म, गाने अच्छे, एक्शन जबरदस्त बोल रहे, अलग लेवल का, यहाँ पे ट्राई नहीं करना ऐसा भी बोला हमारे आम आदमी क्रिटिक विजय जी ने। क्या रेटिंग रहेगी पिक्चर के लिए क्रैक? अभी क्रैक को मैं क्रैक लाइन में बोलते, ये तो क्रैक है साला, मतलब बॉम्ब लगा है साला, मरने का कोई डर ही नहीं, तो मतलब पागल बने ना, उसे बोलते क्रैक। अभी विद्युत जामवाल को हम दे सकते 5 में से 5 तो क्रैक के हिसाब से, पागल बने फिल्म को दे सकते 3.5, क्योंकि स्टंट बहुत ज्यादा लंबा खींचा हुआ है, लंबा खींचा है और स्टोरी कम है, एक्शन ज्यादा है, तो हम 5 में से 3.5 दूंगा, लेकिन विद्युत जामवाल को 5 में से 5। बम्बई का भाषा कैसा? बम्बई की भाषा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश की है और बहुत अच्छी बोली है, 3.5 की रेटिंग दिया हमारे आम आदमी क्रिटिक विजय जी ने। विजय जी जो शुरुआत में आपने बोला कि आज सिनेमा प्रेमियों का दिन है, 99 रुपीज पिक्चर दिखा रहे हैं, अपने बम्बई की भाषा टपरी लैंग्वेज है, मतलब जीतेगा तो आपको निश्चित बोलते हैं। तो क्या लगता है कि ये हर फ्राइडे सिनेमा लवर्स डे बनाना चाहिए,
ताकि पब्लिक वापस वापस हाँ 99 रुपीज में आए कि देखो परमेश सर एक दिन भी एक दिन 100 रुपए किया था तब पिक्चर हाउसफुल हुई थी आज भी लोग क्यों आए इसलिए पूछा सिनेमा डे था जी अच्छा सिनेमा लवर्स डे एवरी फ्राइडे रखे तो अच्छी बात है ओपनिंग तो अच्छी मिलेगी 99 रुपीज में यस आज जैसे ऑक्यूपेंसी है हमको दिख रहा है जी जी माय शो पे पूरा लाल 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 दिख रहा है बड़ा है वैसे ही ऑक्यूपेंसी हर फ्राइडे मिलेगा अगर 99 में पिक्चर दिखाओगे तो ऐसा भी कह रहे हैं हमारे आम आदमी की टीम विजय जी रेटिंग सुनिए आपने क्रैक के लिए जाके देखिए पिक्चर और कमेंट्स में हमको बताना कि आपको ये फिल्म कैसे लगी विद्युत जम्वाल एंड अर्जुन रामपाल फुल क्रैक थैंक यू